यहाँ की जितनी सामाजिक संगठन हैं उन लोगों ने सबने मिलकर के इस योजना को बनाया। नगर पंचायत ने योजना बनाई, जो जो हमारे यहाँ पर संत महात्माओं के संगठन हैं उनके तरफ से भी ये सब कुछ हुआ है, DRI के तरफ से हुआ है, हमारे सदगुरु सेवा के ट्रस्ट की तरफ से हुआ है और प्रशासन ने इन सबको मोटिवेट किया और इसमें सिर्फ जनता की भागीदारी है, इसमें प्रशासन का कुछ नहीं है सिवाय मोटिवेशन। जानते हैं भगवान राम का पिछले सालों में तय किया था कि इसको कृष्ण के गौरव दिवस के रूप में मनाए गए, पिछले साल हमने 5,000 दीपक जलाए थे लेकिन लोगों के सहयोग से वो लगभग 7 से 8 लाख दीपक जले। इस बार वहाँ के संगठन और यहाँ के लोग भी आगे आए कि हम 11 लाख दीपक जलाएंगे, यूपी की तरफ से पूरा सहयोग है, हमारा प्रस्ताव देख सकते हैं उत्साह के नाम चला गया पूरा चित्रकोट सर। हम दीपक जला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सर कोई भी शासकीय पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सभी संगठन प्राइवेट संगठन या जो भी संघ सेवा समूह है वो लोग काम कर रहे हैं, लोकल के लोग कर रहे हैं, सब लोग मिल के इस पर कुछ लोगों को बना रहे हैं। सर और कौन कौन से आयोजन हुए हैं 9 दिन के अंदर, पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है जो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से प्लस अयोध्या में ट्रस्ट है उसकी तरफ से हो रहा है। इसके अलावा लगातार बंदी गिरने कार्यक्रम हो रहे हैं, आज अभी आतिशबाजी का भी कार्यक्रम होगा। कोशिश यही है कि चूँकि भगवान राम का जन्मोत्सव है उसको हम एक उत्सव की तरह मनाएं, यही हमारा। देखिए रामनवमी का पर्व चित्रकूट में बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया है, रामनवमी के जुलूस भी निकाले गए हैं, बहुत श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भारी संख्या में दर्शन किया है। आज शाम को यहाँ पे आरती के आयोजन के साथ साथ पूरे घाट पे और परिक्रमा मार्ग पे और जो चित्रकूट का हिस्सा है हमारा बेरी पुलिया से UPT या परिक्रमा मार्ग चित्रा गोकुलपुर मार्ग सभी जगह लोगों ने अपने घर के सामने दीपक जलाए हैं। अभी यहाँ पर भी दीपक जलाए जा रहे हैं और इसके बाद आतिशबाजी की भी व्यवस्था है, तो पूरे हर्षोल्लास से उत्तर प्रदेश शासन और सरकार के सहयोग से हम इस पर्व को मना रहे हैं और मैं आप सभी के माध्यम से सभी जनपद वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बार मतलब होती तो हमेशा थी यहाँ बहुत अच्छी, पर अब क्या 1-2 सालों से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, यहाँ पर दिए जलाते हैं सारे लोग, हम लोग भी यहाँ दिया जलाने ही आए हैं और इतना अच्छा अद्भुत नज़ारा देख के मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा, मतलब लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं देखने यहाँ पर, इतना अच्छा मना रहे हैं अब यहाँ।